एक अच्छा प्लानर वही होता है जो जीवन में बेसिक्स काम हमेशा करते रहता है, जो जीवन में बेसिक को कभी नहीं भूलता। मैंने देखा है कि जब हम छोटे लेवल पे थे तो हम हमेशा बेसिक्स काम किया करते थे। बेसिक काम का मतलब है लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान करना, फॉलोअप करना और क्लोजिंग करना। लेकिन जैसे हमारा रैंक धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे हम जब डेवलप होने शुरू हो गए, तो मैंने देखा लोग अपने बेसिक्स वर्क को भूल गए। फिर हम क्या डिपेंडेंट हो गए टीम के ऊपर। और आज हालत ऐसी हो गई कि अगर टीम हमसे प्लान करवाती है तो हम प्लान करते हैं, और अगर टीम प्लान के लिए कॉल नहीं करती तो मैंने कई ऐसे लीडरों को देखा है जो घर से बाहर तक नहीं निकलते। दो तरीके के बिजनेसमैन होते हैं इस दुनिया में। एक ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो अपने जीवन में रूटीन वर्क करते हैं। जैसे आपने एक दुकानदार को देखा होगा, पिछले कई सालों से उसके घर में एक दुकान है, वो सामान लाता है, डेली सुबह 6 बजे 8 बजे जाके दुकान का शटर उठा देता है, वहीं ब्रश कर लेता है, खाना मंगा के खा लेता है और शाम को 8 बजे बंद। दिन भर दुकान में बैठा रहता है, जितनी सेल हुई ठीक है, सेल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये रूटीन बिजनेसमैन है। इनको केवल ये पता है कि मुझे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे 9 बजे तक अपना दुकान का शटर उठा देना है, जितना सेल हुआ ठीक है, भगवान भरोसे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे लोग कभी काम नहीं करते, ऐसे बिजनेसमैन कभी नहीं काम करते, एक्स्ट्रा एफर्ट ये कभी नहीं लगाते। दूसरे होते हैं डेवलपिंग बिजनेसमैन। डेवलपिंग बिजनेसमैन वो होता है जो हमेशा ये देखता है कि मैं अपने धंधे को और बड़ा कैसे बनाऊं। जैसे अगर आज बिजनेस 1 लाख की कमाई हो रही है तो मैं 2 लाख की कमाई को कैसे कन्वर्ट करूं। तो अगर 2 लाख की कमाई को कन्वर्ट करना है तो अपनी बुद्धि लगाएगा, वो अपना दुकान का साइज बढ़ा करेगा, वो अपना माल ज्यादा बनाएगा, या अपने दुकान के कई फ्रेंचाइजी डेवलप करेगा। आज उसके दुकान के 1 स्टोर हैं, बाद में वो 2 स्टोर खोलेगा, फिर 4 स्टोर खोलेगा और 10-15-20 स्टोर खोल के अपने दुकान की रेवेन्यू को जनरेट करेगा। ये होता है डेवलपिंग बिजनेस में। दोनों कैटेगरी के लोग होते हैं मार्केट के अंदर, दोनों टाइप के बिजनेसमैन है मार्केट के अंदर। अब ये आप सोचिए कि आप किस कैटेगरी के बिजनेसमैन हैं। नेटवर्कर भी 2 कैटेगरी में है। एक रूटीन नेटवर्किंग लोग करते हैं, बस जो मोटा मोटी बात समझा दिया गया उसको दिमाग में लगा लिया, अब डेली सुबह उठना है, अपने डाउनलाइन को केवल कॉल कर देना है, प्लान हुआ तो घर से निकलना है नहीं तो घर में बैठे रहना है, फ्राइडे की ट्रेनिंग आई तो जाके बैठ जाना है, संडे का सेमिनार आया तो उठ के टाई कोट लगा के बैठ जाना है। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते, एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस उनकी नहीं होती। और ये वजह है कि ऐसे लीडर 6 महीना पहले भी 5,000 कमाते थे और आज भी 5,000 का चेक मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये रूटीन पे चल रहे हैं। ये दिमाग में बिजनेस को ग्रो कराने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। एक्स्ट्रा बिजनेस को और कैसे आगे डेवलप करना है, कोई थॉट प्रोसेस इनके अंदर आ ही नहीं रही है। क्या बनना चाहते हो आप, डेवलप लीडर, डेवलप बिजनेसमैन, डेवलपिंग बिजनेसमैन या रूटीन बिजनेसमैन? जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है सोच के देखो, हम क्या कर रहे हैं। अपलाइन ने बोला तो घर से बाहर जाना है, नहीं बोला तो हम घर में बैठे हुए। अपलाइन ने बोला कि सिटी में जाके वहां पे लोगों को प्लान करना है तो हम जा रहे हैं, नहीं बोला तो घर में बैठे हुए दुकान का शटर उठा रहे हैं बंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं बंद कर रहे हैं। टीम ने अगर प्लान करवा दिया तो निकल के प्लान कर रहे हैं, और टीम ने प्लान नहीं करवाया तो फिर हम दुबक के घर में बैठे रह रहे हैं। और मैं कई लोगों की रिपोर्टिंग भी देखता हूं, लिखते हैं टुडे 0 प्लान। शर्म करो टुडे 0 प्लान लिखने वालों। फिर बोलते हैं सर मैं तो फुल टाइम काम करता हूं, फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं सर मेरा कैरियर नहीं बन रहा है। बड़ा काम करना है तो बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, कैसे अपने धंधे को बढ़ाया जाए, कैसे अपने बिजनेस को डबल ट्रिपल किया जाए। जस्ट एनालाइज योर सेल्फ, कैसे इंक्रीज करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चेक 6-6 महीना से 4,000-5,000 रुपये फंसी हुई है। अब मैं पूछता हूं उनसे, कभी फोन से बातचीत होती है या आपका अपलाइन आपसे पूछता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका क्या जवाब आता है, सर समझ में ही नहीं आ रहा है, जोर तो लगा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे भाई तो जोर लगा ही नहीं रहा है। कोई बोले कि मैंने कद्दू में खूब तीर मारे और कद्दू नहीं फटा, संभव है? अगर मैं कद्दू में तीर मार रहा हूं और कद्दू फट नहीं रहा है, इसका मतलब या तो वो बंदा झूठ बोल रहा है, हाँ या ना, या तो उसको तीर मारना नहीं आता है, कुछ तो बात है। तो लोग जब बोलते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं रिजल्ट आ नहीं रहा है, मेरे भाई रिजल्ट आता नहीं, रिजल्ट लाया जाता है। और आप मेहनत रिजल्ट लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो केवल अपलाइन को सेटिस्फाइड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक दिन तैयार वैयार होके घर से बाहर निकले, 5-6 सेल्फी मार दिया और अलग अलग दिन वही सेल्फी अपलोड कर रहे हैं ग्रुप में, एक बार बिना कोट के, एक बार बिना शर्ट के, एक बार टाई के साथ, 4-5 वेराइटी बना दिया और वही सेल्फी।
मॉर्निंग 6 o'clock टुडे ग्राउंड में निकलते हुए गुरुजी का आशीर्वाद लेके मार्केट में धमाल करते हुए पता चल रहा है सो रहा है बैठ के आराम से, करते नहीं करते हैं। ये जो आदतें हैं इन आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये जो रूटीन डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है इस रूटीन डायरेक्ट सेलिंग को बंद करना पड़ेगा और डेवलपिंग डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। मेरे भाई पैसा ही तो कमाना है ना, पैसा ही कमाना है ना। जब 1 करोड़ ब्लू डायमंड पे बनना है तो खत्म करो ना यार 2 साल में ब्लू डायमंड का चैप्टर, क्यों घिसतीर कर रहे हो। 10-12 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्टर लेवल पे आते हैं तो खत्म करो ना इन्वेस्टर का चैप्टर, क्यों घिसमतीरी करने में लगे हुए। 20 साल में इन्वेस्टर बनेंगे। किसी से पूछो क्या बनना है, सर ब्रांड इन्वेस्टर बनना चाहता हूं। यहां डायमंड कितने लोग हैं, कितने का चेक बनता है सर? एक डायमंड अगर 50,000 का भी चेक कंटिन्यूअस मेंटेन करेगा या कैपिंग अगर मेंटेन करेगा, कैपिंग अगर एक डायमंड कंटिन्यूअस कैपिंग भी मेंटेन करता है तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बनने में 75 साल लगेंगे। कितना कैपिंग की बात कर रहा हूं, ये तो 10-15,000-20,000 कमाने वाले तो भूल जाओ, तुम ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हो इस जन्म में। जब बूढ़े हो जाओगे मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं तो अपने पोते को समझाना कि बेटा कुछ करके जा रहा हूं, देखना बन जाना ब्रांड एम्बेसडर, हमारे माले के आगे भी लगा देना। कैलकुलेशन है, आप निकालो और कैलकुलेट करके देखो। 150 सेल पर वीक भेजने वाला इंसान अगर डायमंड है तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बनने में कम से कम 75 साल लगेंगे। तो अगर हम रूटीन लीडरशिप के माध्यम से सपना देख रहे हैं कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा SLPS वेलनेस का, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, गलत सोच रहे हो आप, अंधेरे में जी रहे हो आप, कभी नहीं बन सकते। ब्रांड एम्बेसडर 4 साल 5 साल 6 साल में वही बन सकता है जो हर 6 महीने में अपने सेल को डबल करता चला जाए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो ब्रांड एम्बेसडर 7 साल 8 साल में बन जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रांड एम्बेसडर बनने में आपकी जन्मों निकल जाएगी। मैं पूछता हूँ ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो? Yes, sir। लेकिन 6-6 महीना से 500 के सेल पटके हुए हो, बात है या नहीं है? हाँ या ना? तो बोलो कैसे बनोगे, मुझे कैलकुलेशन समझा दो बस, कोई भी खड़ा होके कैसे बनोगे। जब 6 महीने के अंदर आपकी 500 की सेल 1,000 में कन्वर्ट नहीं हुई तो आगे का क्या दिमाग में चल रहा है, कैसे बनोगे? देखो मोटिवेट करने से नहीं होता है कुछ, चीर देंगे फाड़ देंगे माइक का लाल तुम सबको ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे, नहीं बना सकता है। समझना पड़ेगा दिमाग में, कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। मैं तो कैपिंग अचीवर की बात कर रहा हूं, ये 4-5 सेल भेजने वाले तो मतलब भूल जाओ तुम सपना। अगर ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो ये बात आज दिमाग में गांठ बांध के डालना पड़ेगा। हमें ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिस बिजनेस से हर 6 महीने के अंदर आपकी सेल डबल होता चला जाए। अगर ऐसा धंधा आप डेवलपिंग बिजनेस बोलते हैं इसको, अगर आप डेवलपिंग बिजनेस कर रहे हैं तब तो ब्रांड एम्बेसडर 10 साल में निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल सकता। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं SLPS वेलनेस के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 साल से बिजनेस कर रहे हैं और आज भी रूबी स्टार सफायर स्टार सफायर बन के बैठे हुए, आज भी 8-9 साल हो गया, आज भी स्टार सफायर और सफायर बन के बैठे हुए, क्योंकि उन्होंने रूटीन बिजनेस किया आज तक। आप क्या चाहते हैं, कैसा धंधा हो, डेवलपिंग बिजनेस करना है या रूटीन बिजनेस करना है? क्या करना है जोर से बोलो हाथ उठा के, डेवलपिंग करना है रूटीन करना है? तो अभी तक जितने भी लोग ये रूटीन में चल रहे हो ना, चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को सही करना पड़ेगा, तभी आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ये रूटीन छोड़ के अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी बिजनेस के डेवलपमेंट में, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी नए नए सिटी के डेवलपमेंट में, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि हर 3 साल के अंदर जो आपकी सेल है वो डबल कैसे होता चला जाए, इस बात में आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तैयार है?